भी आज जो हमारे विधायक जी हैं अभय सिंह चौटाला जी एल नवा से जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में उठकर एल नवाद में नशे के बारे में बात कही है। नशा एक बहुत बड़ी बुराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका निपटारा भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी हरियाणा पुलिस इसमें बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन विधायक जी ने जैसे कि इलेक्शन में व्यक्तिगत लक्ष्य लगाए आज मेरे पे, दोबारा दोबारा ना कई बार लगा चुके, आज व्यक्तिगत लक्ष्य लगाए हैं भी पवन बेनीवाल और पवन बेनीवाल के आदमी यहाँ पे एल नवाज क्षेत्र में नशे का कारोबार करते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से यही पूछना चाहते हैं भी आप ये अनाप शनाप बातें सिर्फ लाइमलाइट में लेने के लिए बोलते हो या आपके पास कुछ तथ्य भी हैं? तब कि हमने आज से 1 फरवरी को उनको एक लीगल नोटिस भी दिया था। ये कभी तो टोहाना में हमारे अध्यक्ष बराड़ा जी, आज भी बराड़ा जी के बारे में उन्होंने काफ़ी टीवी में देखा था या सोशल मीडिया पे उनके बारे में वो काफ़ी बोले, कभी तो ये कह देते हैं यहाँ पे टोहाना में अध्यक्ष जी सुभाष जी बराड़ा नशे का कारोबार करवाते हैं। एक बार तो शायद करनाल गए थे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी पे भी ये आरोप लगवा दिया भी यहाँ पे करनाल में अगर कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो हमारे जो विधायक जी हैं ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि जो पार्टी कभी 85 सीटों पर थी चौबी चौधरी देवीलाल के वक्त में, वो 85 से 35 पे आई, 35 पे 19 पे आई और अब 1 सीट पे आ गई। और ये 1 सीट भी विधायक जी को पता है भी कैसे वो ये सीट बचा पाए, बचा ली उन्होंने, 1.5 महीना यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। अब उनको सपने में भी पवन बेनीवाल ही दिखता है, उनको क्या डर है या क्या, वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विधायक जी को मैं ये बताना चाहता हूँ भी इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेके जाएंगे। जैसे विधायक जी ने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री जी को भी लिखी और ये भी कहा भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। मैं आपके द्वारा विधायक जी को ये बताना चाहूँगा, उन्होंने तो पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन मैं उनके आवास के सामने धरना भी दूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा और उनसे सबूत मांगूंगा। या तो उन आदमियों के नाम बताएं, तथ्य प्रूफ करें और इस लड़ाई को आखिरी इंतजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इलेक्शन में अनाप शनाप ऑडियो वीडियो किसी एक आदमी को कहीं खड़ा करके, और आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, किसी को बना दे तो या तो उसका नाम लेके है ना, फिर एसपी साहब को सामने लेके है। ऑडियो वीडियो बनाने से क्या है, अगर उनके पास सबूत है तो मेरे को, आपको एक बात मैं बता देता हूं, हमारी जो सिरसा पुलिस है इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है। पिछले 1 महीने में 199 केस एनडीपीएस के यहां पे दर्ज हुए हैं, जो कि एक शायद सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं, मेरे को लगता है ऑल इंडिया का रिकॉर्ड है, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं यहां पे। और मैं अपने एमएलए साहब को ये और आपके द्वारा पुलिस को हर एक आदमी को बताना चाहता हूं भी अगर उनके पास एक भी सबूत है, मैं अपनी बेल तो क्या फांसी टंगने के लिए तैयार हूं, अगर 1% भी उनके पास कोई सबूत हो। केस भी नहीं आज तक मेरे पे कोई एनडीपीएस का ना मेरे पे ना मेरे परिवार पे किसी पे कोई केस नहीं। ऐसी अनाप शनाप किसी के बारे में बकना तो उनको अपने सोच के ही करना चाहिए।